ये मेरी दादी सास ने मेरी सास को दिया था। सूरी कहाँ से खिलौना निकाले? ये घूमता रहता है पूरा घूमेगा। ये मैं ट्रेन से लिया था तब कोलकाता जा रहे एग्जाम देने के लिए, तो अपने ट्रेन में वो खरीदा था। तो को है टाइम पास सच में भाई। रोटी बन रहा है गर्मा गर्म, खाना है गर्मा गर्म, चाय पिलाओ ना, तो चाय पीने की थोड़ा वेदर थोड़ा अच्छा है ना, थोड़ा ठंडा ठंडा है ना, इसलिए चाय का थोड़ा ज्यादा प्यास लग रहा है। नहीं वेदर इतना अच्छा है ना, मतलब ठंडा ठंडा नींद नींद जैसा वेदर है आज। चलो बनाओ बनाओ बढ़िया वाला। अरे बेलन चक्के अलग होता है ना, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा होता है। मार्बल का है ना ये भी, लेकिन बेलन जो है ना वो अलग है ना। वो तो है सबका थोड़ा मेरा गोल नहीं हो रहा, थोड़ा इंस्ट्रूमेंट थोड़ा चेंज होने से तो थोड़ा होता है। इंस्ट्रूमेंट हाँ इंस्ट्रूमेंट ही है बाबा ये, लेकिन ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत स्लिप कर रहा है। इसमें वो कलर दिया हुआ ना तो स्मूथ है एकदम बहुत। और अभी फादर इन लॉ पूजा कर रहे हैं, रोज शाम को पूजा करते हैं, सुबह में तो एक बार करते हैं और शाम को काफ़ी देर तक एक घंटे तक पूजा करते हैं। अभी स्वीटी पे बैठ गई तो वही स्वीटी को फूल देना वो सारे करना और जो भी रिचुअल होते हैं वो करते हैं। अभी गीता को जो होता है ना उनका जो मन होता है वही उनके साथ स्वीटी भी बैठ के वही करती है, वही दोनों का टाइम चल रहा है। प्रसाद वितरण करने का दायित्व बहुत अच्छा लगता है ये प्रसाद। और जो जो सामान लाई थी वही सारे सत्तू वगैरह लाई थी और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भगवान के लिए। मम्मी को बोला थोड़ा सा उठा के रख दो और खाने के लिए, क्योंकि भगवान को ये सब प्रसाद दिया जाता है ना। और जो भी लाई थी वही सारे निकाल के सब एक एक जगह पे, और चाय पत्ती लाई थी क्योंकि वहाँ पे चाय पत्ती अच्छा मिलता है ना रानीगंज पे, तो वही थोड़ा सा मिक्स कर लिया था, वो सारे एक साथ रख दूंगी। तो वही अभी स्वीटी क्या देने जा रही है वो देखो। बेलचा हाँ और जो सामान रही थी वो सारे मम्मी को दिखा रही थी। ये मम्मी के लिए मैं लाई थी और जो रीमा के लिए लाई थी वो भी, क्योंकि वो भी देना है, वो सारे दिखा रही थी पसंद आया है या नहीं। और मुझे ये येलो कलर बहुत पसंद आया था इसीलिए मम्मी भी बोले बहुत अच्छा लग रहा है। येलो एक ऐसा कलर है जो फेस्टिवल में या किसी भी टाइम पे आप पहन सकते हो। और रानीगंज बाजार जब गई थी तो मम्मी ने बोला था एक बेडशीट, तो वही बेडशीट जो लाई थी वही मम्मी के लिए है। ये है सिंगल बेडशीट, कैसा है? बहुत अच्छा। सुंदर है, बहुत सुंदर है, बढ़िया बा, बहुत बढ़िया बढ़िया बा। ये है तुहिन के लिए टी शर्ट, अगर और साइज तो पूछते हो चलाना, ये शर्ट इसके इसके अंदर में जाएगा। और सारे सामान एक एक करके दिखा रही पसंद आ रहे या नहीं साइज वगैरह, क्योंकि मैंने सब कुछ अंदाजे सिलाई। और जो कढ़ाई लाई थी वो ना मम्मी के लिए था क्योंकि थोड़ा सा भारी कढ़ाई में बनाने में इजी होता। और ये दो जो कुर्ती वगैरह लाई थी वो पापा के लिए था। और ये डब्बा में वही चकली वगैरह लेके आई थी क्योंकि जो जो सामान खाने वाला सामान था वो इस तरह से सारे निकाल के मैं सोचा मम्मी को दिखा दूं। खोला असल खुद दे चकली चकली है पापा को चकली बॉम्बे जब भी जाते थे तब चकली इतना पसंद था, खुद ही लेके आते थे। मुझे बोलते थे देख ये वाला टेस्ट करिए अलग फ्लेवर का चकली लाए, मतलब खुद जब मार्केट जाते थे खरीद के। दांत नहीं है तो क्या खाएंगे? आराम से हो जाएगा, भले से तुषार के लिए है ये नंदाई। हाँ मेरा नंदाई होता है, उसका शर्ट और पैंट का। तो ये शर्ट और पैंट क्योंकि अभी पैंट शर्ट साइज वो साइज ये का मुश्किल है, बहुत लंबा है वो अंदाजा नहीं लगा। एक एक देखो तो एक मूंग दाल पापड़, मूंग दाल। थैंक यू दिस इज माय फेवरेट। हाँ पंजाबी रहे, हाँ पंजाबी। हाँ मैं यारो तीन तो रख ही नहीं है ला ये तीन, ये सबसे विदाई वो जावर साथ मैचिंग। पापा का गार्डनिंग का बहुत शौक है, बहुत है। बहुत मायापुर का घी, मायापुर है 500 हाफ किलो। स्वीटी काम कर रही है उसी वजह से उसको कुछ घूस मिल रहा है, घूस। स्वीटी घूस लेना बहुत बुरी बात है। हाँ रिटर्न गिफ्ट,
अच्छा रीटा, हाँ ये ठीक है, काम के बदले गार्डनिंग का वो कुदाली दिया, नहीं नहीं वो पापा का वो शर्ट वगैरह उसने फोल्ड करके दिया, हाँ काम के बदले ठीक है। ये मेरा बचपन का एक स्वेटर, मतलब विंटर में जो पहनता, ओ रीमा को एक ठंडी लगी थी तो रीमा को दिया था मम्मी ने, तो मतलब रीमा हमारे घर एक बार ड्रॉप करके मम्मी से मिल के आती थी, तो अभी रीमा इधर रखे गई। स्वीटी को मेरा स्वेटर आ गया ना, हाँ मैं ये साइज में मैं भी पहनती हूँ क्योंकि ये नया था, मैं ज्यादा नहीं पहनती थी। ये 1976 का मदर इन लॉ का शादी के बाद कोलकाता से खरीदा था 100 रुपीज में शॉल, ये कश्मीरी शॉल जो आता है, कितना धोया है, कितना यूज हुआ है, फिर भी मतलब और कलर बहुत सुंदर। 45 ईयर्स मतलब कितना अच्छा क्वालिटी का पहले जमाने पे सामान। देखो मेरा ये लोहा बंधा लेके सबने बोला था ना मुझे, मैत्री ये सास देता है हस्बैंड नहीं देता है, आप रॉन्ग बोल रहे हो। बंगाली में ना कल्चर और हर जगह का अलग होता है, ये शांतनु ही पहनाता है यज्ञ में ना मम्मी, हम लोग का हस्बैंड पहनाता है लोहा, जब बहू जाती है नेक्स्ट डे, वो नेक्स्ट डे आती है ससुराल आती है, जोगी होता है, बोलता है जोगी होता है, हाँ उस टाइम हस्बैंड वाइफ को ये लोहा पहना देते हैं। हाँ उनका ये एक ने बोला था मैत्री अब झूठ क्यों बोल रहा, झूठ थोड़ी बोला जाता है। जैसे बंगाली में भी राजपूत ब्राह्मण, जैसे हम लोग राजपूत है मतलब क्षत्रिय है, क्षत्रिय का अलग रिचुअल होता है और ब्राह्मण का अलग रिचुअल होता है, सब कास्ट होने जाए रिचुअल चेंज होता है, वो भी डिस्ट्रिक्ट होने जाए चेंज भी होता है ना। हाँ हिंदू लोहा का वो हस्बैंड पहनाते है, दोनों हाँ, वह हमारे सास नहीं पहनाते ना, ना नहीं सास वो कुछ अगर जैसे मम्मी ने दिया था एक गले का हार दिया तो वो हार देता है, मुंह देगा क्यों हार देता है, कुछ कोई चूड़ी देता है, कोई नाक बड़ी देता है। ये दिख रहा है ये जो कान का है, मतलब ऐसा करके कान में पहनते है, ये मेरी दादी सास ने मेरी सास को दिया था, मम्मी का सास ने दिया था, तो तब का डिजाइन। ये शांतनु का भुजन मतलब 6 मंथ से एक राइस सेरेमनी होता है, अन्नप्राशन बोलता है, राइस पहली बार खिलाया जाता है, वो ये डिजाइन बराबर नहीं आ रहा है, इस तरह सुंदर है ना? ये ऐसे करके ताबीज पहनाया जाता है छोटे, तो वही अभी निकाला मम्मी ने, इतना छोटा तुम्हारा हाथ भी कितना छोटा। ये अचार बहुत टेस्टी है, आलू भाजा, ये फूलगोभी आलू सब्जी और ये मीठा तो है ही। मम्मी क्या कर रही है, मम्मी सब्जी कर रही थी, यहाँ पे सब्जी बेचने आते इस तरह से, मम्मी ने साग वाग बहुत कुछ किया। ये लौकी का है, ये लौकी का है, ये देखो लौकी का पत्ता। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट डे और अभी वही साग और सब लेके बैठी हूँ, खाना बनाने के लंच बनाने की तैयारी चल रहा है। कुआं को पानी लगे बहुत पीछे बढ़िया से, और ये है हमारे कुआं बावड़ी, बावड़ी ऐसे देखिए बावड़ी में खाने उठा, चलो शहर की छोरी उठा रहा पानी। हाँ ये गांव है, मेरा ससुराल गांव में है, जिम हो जाएगा मित्र, हाँ ससुराल जिम हो जाएगा। ठंडा है पानी, यही पानी पिया जाता है, ये जो पानी है ना फिल्टर में जाकर मम्मी बॉयल करके पीती है, और ऊपर में टैंकी में उठ रहा है वो तो पंप चला के उठता है। हेड सेफ का असिस्टेंट, इसको सिर्फ असिस्टेंट का पोस्ट मिलता है जहाँ भी जाता है, ये है हेड सेफ, ये है असिस्टेंट। शांतनु में मुझे असिस्टेंट बनाते हैं, वैसे जहाँ भी जाते मुझे असिस्टेंट, और आप लोगों को कितना रेसिपी देते हैं फिर भी भाग्य है। अभी मैं मोबाइल के लाइट से अभी इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है सुबह से, ये साग भाजा हो गया, अदरक लहसुन अनियन, यहाँ पे मटन में जो मसाला पिसा वो स्लाइस अनियन मिक्स करके रखना है, मिर्ची मैं देना भूल गई थी, जीरा धनिया पाउडर मम्मी एक साथ पिसाई करके रखती है, कच्चा मस्टर्ड है, मस्टर्ड यहाँ इसके साथ मिक्स करके पूरा रखना है, करना है इसको। हाँ हल्दी भी दे दिया आपको तो इजी, हाँ ये कढ़ाई मैं पहले का धो रही हूँ, अच्छा है सेटिंग चल रहा, हम लोग सब कुछ जुगाड़ में चल रहा है, लाइट चल रही है, अरे इलेक्ट्रिसिटी चला गया, ये है लाइट मैन, मैं कैमरा मैन और तुम सेफ सेलिब्रिटी।
है, सब चीज मम्मी कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के ले रहे हैं। क्या दिया? बोलो बोलो। इलायची, इलायची, दालचीनी, लवंग, लवंग, आज तेज पत्ता, और ये जो मटर मिक्स किया हुआ है ये इसको अंडे इसको भून भून के बनाना है। ये 1 किलो 250 ग्राम है ना, 1.25 किलो का मटन है। अब कपड़ा कचिंग चल रहा है, ठीक से कचो। और देखो उसका उसको मस्त है, वो सिर्फ बोल रहे कि नहीं पानी नहीं खींचूंगी। कहाँ स्वीटी, 1 किलोमीटर दूर जाके पानी, पागल। अब इसका भी कौन करेगा? एक और हेल्पर चाहिए उसको। अरे छोड़, और एक हेल्पर चाहिए उसको। बहुत जल्दी 2 मिनट में सूख जाएगा, खुद ही रह जाओ। 2 मिनट में जितना भी ब्लड है वो सूख जाएगा, फूक के जब। हां सूखा, गर्मी का अच्छा हो जाएगा, लेकिन अच्छा लगता है। विटामिन डी फुल ले, फुल विटामिन डी ले लो। हां उधर पैर रख के देखो, विटामिन डी ठीक है ना। क्या मस्त बन रहा है वो, संतरे कलर ऐसे टेस्टिंग टेस्टिंग। हां टेस्टिंग मसाला का टेस्ट बता पे, सिर्फ मुंडी हिला रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छा खुश रहना, हैप्पी रहना, जैसे बंधु रहना, दिमाग से स्मार्ट रहना। मेरे चश्मे में रिफ्लेक्शन आ रहा है, दिखाई नहीं देगा। ये रूम पे हम लोग रहते हैं जो बड़ा वाला रूम है। ऑलरेडी रूम टूर पूरा वीडियो है लास्ट ईयर का, तो जरूर देखना, कितना सुंदर लग रहा है ना। बचपन का चीज है, डिजाइन आ रहा है, पहनने के में कुछ मजा ही कुछ अलग आ रहा है। इस तरह से सन का डिजाइन मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक फील, क्योंकि मेरा दादी के साथ मेरा बहुत बहुत ये बहुत दादी ने बनाया था अपने पिकी बैंक के पैसे से। लक्ष्मी जी का जो भाड़ होता है ना, तो ऐसा ही अच्छा है ना, कुछ तो निशानी रह गया। और ये भूनने के बाद अभी गर्म पानी दे के इसको सिटी करना है। ये शांतनु का ऐसा चाहिए, ऐसा था। कलर होना चाहिए। ओ माय गॉड, जो खुशबू आ रहा ना, सेवा चल रहा है। लेकिन ऐसा एक ऑथेंटिक रेसिपी है। ये कटोरी देखो कितना डिजाइन देखो इसका, फुल 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 ना, मारे छिलो। मेरा मम्मी का भी था, लेकिन गंदा हो जाता था ना, मतलब साइड साइड में, मम्मी ने ले। अभी किचन पे खाना परोसने की तैयारी चल रही है, किचन पे परोस के उसके बाद डाइनिंग टेबल पे या जिसको जो वहाँ पे बैठना है, जैसे हम लोग नीचे में बैठ जाते। कैसा बना है मम्मी, बोलो बोलो कौन है, तुम्हें बोलो क्या होना चाहिए। तुमको पूछ रहे, मम्मी को पूछ रहे कैसा बना है। मोटा मोटा हुआ, मोटा मोटी क्या, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सच में टेस्ट अलग ही है एकदम। मैं जो मटर बनाते उसका टेस्ट अलग है, प्रोसीजर थोड़ा आगे पीछे है ना, मतलब अलग ही है एकदम। अरे मैं एक डब्बी से दूसरा डब्बी में करने गई तो पूरा एकदम निकल गया। सब यहाँ पे पैर पे दर्द है, पेन का। और जो पेन रिलीफ तेल लाई थी वो मम्मी को मैंने दे दिया, और मैं अपने लिए थोड़ा सा एक छोटा सा सीसी में लग दिया, क्योंकि इतने दिन हुए वो, क्योंकि मेरा जो नेक में पेन होता है ना उसके लिए मैं ये सारी यूज करती। और पापा को भी मैं थोड़ा सा लगा दिया, क्योंकि हाथ में लगा हुआ था ना पूरा। और अभी खाना खा के इतना सुस्ती लग रहा है, मुझे नींद आ रहा है, लेकिन इसके बाद वाला वीडियो तो जरूर देखना, कुछ स्पेशल है, बहुत स्पेशल जगह। हाँ, वीडियो किसी भी रीजन पे अच्छा लगा लाइक जरूर करना, और मेरे चैनल पे नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। अभी मिलते हैं कल के और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स, बाय बाय। आज मेरे मायके के लिए एक लाइक, अच्छा मेरे ससुराल के लिए, तुम्हारे ससुराल के लिए, अच्छा। इवन इफ यू ट्राई, लेकिन देखना बॉयज का मायके बोलने में कुछ क्यों लगता है, ऐसे बोलना चाहिए ना, लड़कियों का मायके। Wouldn't understand it, maybe something's missing inside.